मैं और एक चैनल को दो लाइक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहा है सुबह का 7:08, तो हाँ देख पा रहे हो। तो मेरा 7 बजे है ट्यूशन था फिजिक्स, तो अभी जल्दी से रेडी रेडी हो गया हूँ 6:30 बजे उठ के। तो अभी जाते हैं चलो फिजिक्स पढ़ने। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल में भी जाऊँगा क्योंकि कुछ काम है भाई, और मेरा जो वो मानपत्र लिखा था वो भी आज सबमिशन करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल फैक्टिकल भी है। तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं, पापा के साथ जाते हैं ट्यूशन में। तो बाहर मस्त रोद उठ रहा है, तो हाँ चलो चलो निकल गया हूँ। अभी जाते हैं, 7 बजे लग रहा है कि 9-10 बज गया, तो ऐसा सनी मॉर्निंग। कैंडल मस्त आईडी तो और नो वो चलो मिलते हैं ट्यूशन के बाद। ट्यूशन डन, जाते हैं पापा को फोन कर दिया ऑलरेडी, तो आ गया है तो जाते हैं चलो घर में। जल्दी करो जल्दी, स्कूल है। सर जब पढ़ाएगा उस समय तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, तो कुछ कुछ समय दिखाया तो हाँ। जल्दी से रेडी होता हूँ, गया हूँ जल्दी से मैं रेडी होता हूँ। अभी तो 9 बज रहा है, 10:30 के अंदर मैंने जाने पड़ेगा क्योंकि स्कूल में बहुत सारा काम है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है। तो हाँ जल्दी से रेडी होता हूँ, स्नान रन करता हूँ। बहुत सुंदर सनी मॉर्निंग। सुबह सुबह देखो भाई पोपट हो गया, मेरा फिजिक्स खाता लेने के जगह मैं मैथ खाता लेकर गया था। तो ये देखो मैथ खाता, तो उसके बाद एक दोस्त के पास से और नोट ग्रुप के पास से एक पेज लेकर उसके बाद ये सब थ्योरी मैंने लिखा जो जो सर कराया आज। तो हाँ तो भाई पोपट हो गया, नोट ग्रुप भाई बहुत अच्छा दोस्त है, हेल्प करता है। तो जल्दी से रेडी। तो सुबह के खाने में हुआ है यहाँ पे है फूलगोभी आलू का झोल और पपीता आलू मतलब पेपे आलू तरकारी। गाइस मच मच्छी भाजा वे हैं मम्मी ने देकर गया, मस्त खाता हूँ। चलो गाइस अभी भात खाना डन, तो मस्त मिठाई खाते हैं चलो। तो हाँ खाने के बाद स्नान करूँगा, रेडी होऊंगा। तो गाइस मैं अभी नहा धाकर रेडी हो गया हूँ, खाया था उसके बाद नहा लिया तो हाँ अच्छे से। तो अभी बस जाए 11, तो चलो अभी स्कूल में जाते हो। आज मेरा स्कूल में दो काम है, पहले तो भाई ये जो बायोलॉजी प्रोजेक्ट है ये मैंने किया था, आप सबको दिखाया था वीडियो में। ये बायोलॉजी प्रोजेक्ट को मैम को दिखाऊंगा कि ठीक ठाक है क्या या नहीं, केडी मैम को, मैम बहुत अच्छा है। और ये प्रोजेक्ट में हमारा जो टेस्ट एग्जाम होगा 12th का उस समय जमा देना पड़ेगा। और दूसरा काम है स्कूल से मुझे भाई मानपत्र लिखने बोला था, एक सर रिटायरमेंट हो रहा है नेक्स्ट दिसंबर में उस सर के लिए, पीएम सर के लिए। तो मैंने मानपत्र लिखा है, ये आज हेड सर को जमा देना पड़ेगा। तो हेड सर ने अलग से मुझको बोला था प्रैक्टिकल रूम में जाकर कि तुम्हारे एक मानपत्र लिखो, तो उसके लिए लिखा मैंने। और आज तो भाई मंडे है, उसके मतलब आज भी मंडे नहीं है, आज है भाई ट्यूसडे। तो आज हम मैं तो ए ग्रुप में हूँ, ए ग्रुप में भाई साइंस का ए ग्रुप में आज फिजिक्स प्रैक्टिकल है हेड सर का। तो देखते हैं प्रैक्टिकल होता कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स जब ज़्यादा आएगा तभी होगा प्रैक्टिकल।
तो स्कूल में जगह देखते हैं, जो होगा मैं दिखाऊंगा। चलो अभी पापा के साथ स्कूल में जाते हैं। अभी भी मैंने बायोलॉजी प्रोजेक्ट को पिनअप नहीं किया, तो मैम को दिखाऊंगा उसके बाद ही पिनअप करूंगा। तो हाँ चलो, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो भी एक बार श्योर हो लूंगा। तो चलो अभी जाते हैं। बाहर निकल गए हो, अभी जाते हैं। चलो भाई, रोज तो भाई नेक्स्ट लेवल है। तो भाई चारों ओर पूजा का प्रिपरेशन हो रहा है। गाइस हमारे सामने है फॉर्च्यूनर। तो चलो स्कूल का गेट खोला है, अभी जाते हैं स्कूल के अंदर। अभी मैं स्कूल में पहुंच गया हूँ। सोच रहा था कि जो दूसरा गेट है ना उससे आऊंगा, पर ये गेट ही खोला था आ गया। क्या सब पेरेंट्स चैरेंट्स आ रहा है? तो हाँ अभी चलो मैम से मिलता हूँ, हेड सर को दूंगा। तो आई थिंक स्कूल में कुछ काम टम है भाई, पेरेंट्स आया है। तो अभी मैं फर्स्ट क्लासरूम के इस तरफ आ गया हूँ। भाई तीन जन आया है, और टू जो दीप और एक लड़का। तो दीप है हमारा फर्स्ट बॉय, और टू जो सेकेंड बॉय, और वो लड़का मैं नहीं जानता। तो हाँ, तो ये है हमारा सेकेंड बॉय का बैग और टू जो का, ये है फर्स्ट बॉय का बैग, और ये को और एक लड़का का। तो वो सब अभी नीचे गया है। तो हाँ, तो अभी मेरा बैग है तो फर्स्ट बॉय के बैग के पास का। मैं भी एक स्कूल का फर्स्ट बॉय था पहले, 8 तक 8 9। तो हाँ तो स्कूल में आया हूँ, सिर्फ हम तीन चार जो साइंस में, तो क्लास बॉय नहीं होगा। तो मेरा जो काम टर्म था वो सब कर लेता हूँ। घंटा गया है, फर्स्ट पीरियड हो गया, तो अभी नीचे जाकर काम टर्म कर लेता हूँ। ओड़ा स्टाफ रूम, मैं अभी स्टाफ रूम से घूम के आ गया। पर स्टाफ रूम में केडी मैम और एमटी मैम कुछ भी नहीं है। तो मेरा बंगाली तो जो मानपत्र है वो फर्स्ट एमटी मैम को दिखाऊंगा, उसके बाद हेड सर को सबमिशन करूंगा, और केडी मैम को भी बायोलॉजी प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि हमारा प्रैक्टिकल होगा। देखते हैं अभी हम पीछे उनके साइड में। तो मैम को दिखाना हो गया, अभी जाते हैं। सर ये है असिस्टेंट हेडमास्टर का रूम। हाँ भाई, और वो रहा मैम का रूम दिखाया। चलो तो मैम को तो दिखा कर आ गया, पर वहाँ पे बंगाली मैम नहीं था, एमटी मैम। तो केडी मैम को दिखाया, मैं नहीं दिखा सकता। तो हाँ केडी मैम को दिखाया, वीडियो नहीं किया, पर वो उस रूम में जाकर केडी मैम को दिखाया प्रोजेक्ट। कुछ पूछने का चीज़ था पूछ लिया, तो हो गया। तीनों पूछने पहले अभी था, पर अभी चला गया है कहाँ पर मैं नहीं जानता। तो मैं तो और नहीं आऊँगा स्कूल में, बहुत दिन बाद आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि डीपी सर को दिखा कर वो मानपत्र करेक्शन करके हेड सर को दे दूँगा, क्योंकि एमटी मैम आज नहीं आया। तो ये तीनों है भाई उस घर में। सब दोस्त भाई मस्त गप्पे लड़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा वो जो आया था ना, उसका नाम है शुभोदी। तो हाँ शुभोदी का क्या नाम है, मोटा करके। तो गाइस यहाँ से हमारे स्कूल में न्यू गेट खुला है। तो हाँ यहाँ पे गेट नहीं था। इस तरफ है रूम, इस रूम में सब गप्पे लड़ रहे हैं। और चलो मैं दिखाता हूँ, ये रहा इस गेट से ऐसे करके। प्रॉब्लम है भाई, ये पूरा खुला है। ये रहा, बच्चे कच्चे के लिए सेफ नहीं है। तो यह से कुछ ऐसा व्यू है। तो उस रूम में सब कॉमर्स का स्टूडेंट और साइंस का स्टूडेंट सब भाई गप्पे लड़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास प्लस भाई नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि बंगाली जो मैंने बंगाली में जो मानपत्र लिखा था वो फर्स्ट डी पी सर को दिखाऊंगा। आप सबने देखा था डी पी सर को, तो डी पी सर को दिखाऊंगा, उसके बाद हेड सर को सबमिशन करके दे दूंगा। इच्छा था भाई एम टी मैम के पास दिखाने के लिए, पर एम टी मैम आज नहीं आया। तो चलो डीपी सर को दिखाते हैं। और यहाँ से जो व्यू है ना भाई, ये देखो। तो हाँ चलो नीचे जाता हूँ, सेकंड फ्लोर में। तो भाई इस रूम में भी कोई भी नहीं आया। तो यहाँ से गाइस जो व्यू है ना मस्त है, नेक्स्ट लेवल है हमारे स्कूल का। चलो व्यू तो देख लिया, अभी जाते हैं नीचे काम टाम करते हैं। चलो बहुत सुंदर व्यू है हमारे स्कूल का। सर भाई अभी खाली है, तो चलो अभी जाते हैं। तो वहाँ डीपी सर देखते हो है कि नहीं, उसके बाद डीपी सर को दिखाने के बाद जाऊँगा।
तो गाइस ये रहा स्टाफ रूम का साइड। तो हाँ पेशेंट का तो भाई से मुलाकात हो गया, तो हाई करो भाई। इस भाई को आप सबने बहुत बार देखा था वीडियो में। अरे फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय बोले कथा। फिर से रूम में जाऊंगा, कुछ काम करूंगा, तो ये भाई वीडियो करेगा। चलो तो चलो फिर से रूम में जाते हैं। तो भाई सर से सुन के आया, पर सर ने नहीं लिया। सर बोला कि फास्ट फूड में लेगा, तो कुछ काम पड़ गया ना, और डीपी सर में नहीं है, तो डीपी सर से करेक्शन करके देने बोला था। अभी क्लास करते हैं। तो चलो भाई, हमारा फर्स्ट बॉय इस रूम में क्लास होगा, कॉमर्स का रूम में। भाई क्लास तो डन, सब चला गया है, क्लास हो गया, दो पीरियड हुआ और प्रैक्टिकल होगा इसके बाद। तो हाँ ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अभी हो रहा है टिफिन। तो हाँ जानना भाई, वो देखो टिफिन हो रहा है अभी। तो गाइस अभी पहचान का भाई से मुलाकात हो गया, आप सबने देखा था वो जो रिहर्सल कर रहा था ना वो भाई, हाँ यहाँ से जा रहा था, अभी देख लिया। तो मैं यही कर रहा हूँ, इसके बाद और अभी क्लास हुआ हमारा। मेरे चैनल के नाम कमल में अपनी ब्लॉग सब्सक्राइब कर देना। तो मैं भी इस वीडियो के एंड करता हूँ, इसके बाद और एक वीडियो शुरू करूँगा। तो हाँ, तो हमारा दो क्लास हुआ, आप सबने देखा। तो मैं इस वीडियो के एंड करते हैं, होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड एज ऑलवेज स्टे काइंड हम्बल एंड ग्रेटफुल, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, नेवर फॉरगेट। और एक चैनल को लाइक जरूर करना, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगती है। हां एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो तो हाँ बाय। এমনি একটা দাদা বললো তাই।